फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट। आज से हम हमारी नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला, अब जो शब्द है वर्णमाला, ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है वर्ण और दूसरा है माला। अब माला शब्द से तो आप सब समझ सकते हैं कि माला का अर्थ होता है कि जिसमें सभी चीज़ों को पिरोया जा सके, ठीक है। अब यहाँ किस माला की बात हो रही है, तो वर्णों से पिरोई गई माला। ऐसी माला जो किससे पिरोई गई है, वर्णों से। अब यहाँ वर्ण होते क्या हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो वर्ण जो है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हिंदी भाषा की। तो यहाँ हिंदी शब्दकोश में हम देखेंगे या हिंदी भाषा में देखेंगे, तो हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे, ठीक। सो वर्ण, सबसे पहले तो वर्णमाला। तो वर्णमाला दो शब्दों से मिलके बना है, वर्ण और माला, जिसमें माला का अर्थ तो होता है कि जिसमें सब चीज़ों को पिरोया जा सके। और ये कैसी माला है, जो वर्णों की माला है। और वर्ण जो है वो क्या है, सबसे छोटी इकाई है हिंदी भाषा के, या सबसे छोटी इकाई बोल लो या सबसे छोटा साउंड बोल लो, ध्वनि बोल लो, तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। अब हिंदी में टोटल कितने अक्षर होते हैं, तो टोटल हिंदी में होते हैं 52। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या होती है 52। अब इन 52 में से हमें दो प्रकार पता है। सबसे पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, तो सबसे पहले स्वर, जिन्हें बोलते वक्त किसी की सहायता ना ली जाए, तो बिना सहायता से बोले गए वर्ण क्या कहलाएंगे, स्वर कहलाएंगे। वहीं पर जब सहायता लेनी पड़े तो सहायता लेकर बोले गए वर्ण क्या कहलाएंगे, व्यंजन। बिना सहायता से बोले गए वर्ण स्वर, और जो सहायता से बोले गए हैं वो व्यंजन। अब हम देखेंगे स्वरों के प्रकार और व्यंजन के प्रकार। सबसे पहले स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं मुख्य रूप से स्वर, और व्यंजन होते हैं 33। कहीं कहीं पे आपको पता चलेगा कि देखने को मिलेगा कि 11 की जगह क्या लिखेंगे, वो 13, ठीक है। तो 13 क्यों नहीं और 11 क्यों माने गए हैं, ये हम आगे जब स्वर के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं स्वरों की, स्वरों के प्रकार। तो जो स्वर हैं वो होते हैं हमारे चार प्रकार, मान लीजिए। सबसे पहले आता है हिरस्व स्वर। क्या आता है, हिरस्व स्वर, स्वर, और इन ये होते हैं चार गिनती में। कौन कौन से होते हैं, तो जो हमारा अ हुआ, जो हमारी छोटी ई हुई, जो हमारा उ हुआ, और जो री हुआ, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे हिरस्व स्वर। कितनी संख्याओं में हैं, चार। स्वर को का पहला पार्ट है हिरस्व स्वर, जो कि होते हैं चार, जैसे कि अ, ई, उ और री। अब इनको बोलने में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है, इसलिए ये स्वर की गिनती में आते हैं। सेकेंडरी, इनके साथ सिर्फ एक मात्रा है, अ सिर्फ अकेला है ना, और सिंगल मात्रा लग रही है, इसलिए इन्हें हम एक और नाम देते हैं, एक मात्रिक। क्या कहते हैं, एक मात्रिक। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड पे,
तो होते हैं दूसरे दीर्घ स्वर, ये होते हैं सात। हीरस्व स्वर को हम छोटे स्वर भी बोल सकते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगे, छोटे छोटे भाग में कंप्लीट हो जाए, वो हीरस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर वही क्या है जिनको बोलने में इनसे डबल समय लगे, ये छोटा है ये बड़ा है, है ना। जैसे इसका उदाहरण हम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, तो ये कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो इस प्रकार से हमारे सात दीर्घ स्वर हो गए। अब अ बोलेंगे और आ बोलेंगे तो ज़्यादा समय आ बोलने में लगता है, अ बोलने में कम समय, तो वो हो गया हीरस्व स्वर, और जिसको बोलने में ज़्यादा वक्त लगा वो है दीर्घ स्वर। अब ये जो सात है इसमें से ये जो पीछे के चार जो हम देख रहे हैं ये जो हैं ये दो स्वरों से मिलकर बने हैं। ठीक है, अब ये जब दो स्वरों से मिलकर बने हैं इसलिए इन्हें हम कहेंगे संयुक्त स्वर। क्या कहेंगे, इन्हीं को कहेंगे संयुक्त स्वर। यहीं से हमारा तीसरा रूप निकल के आया संयुक्त स्वर। चार होते हैं ये चारों, ए, ई, ओ और औ। अब संयुक्त स्वर के बाद चौथे नंबर का स्वर आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, तो एक्चुअली में प्लुत स्वर होता है क्या, तो जब हमें किसी को राग में बात करनी हो या जोर से आवाज लगाते हैं राग में, तो हम बोलते वक्त तो उसको राग लगा लेते हैं, जैसे राम, है ना, पर उसको लिखेंगे कैसे, तो उसको बताने के लिए हम लिखते समय इसे लिखते हैं इस प्रकार से। यह है प्लुत स्वर, इसे लिखने के लिए जैसे राम लिखना है हमें तो इस प्रकार से लिखा जाता है। एक्चुअल में ये ऐसा होता है और आज की तारीख में ये इस प्रकार से हमने इसे परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, अब अगर हम मात्रा की दृष्टि से देखें तो हमने एक मात्रिक कहा था हीरस्व स्वर को, तो हमारा दीर्घ स्वर हो जाएगा द्विमात्रिक। द्विमात्रिक, ठीक है, इसमें दो मात्रा होती है, मतलब अगर किसी शब्द में आ आए तो हम यहाँ पे कितनी मात्रा गिनेंगे, दो, और अगर ऊ या ई आए छोटी वाली तो हम कितनी मानेंगे, एक मात्रा। अब प्लुत स्वर जो होता है वो होता है त्रैमात्रिक। कितना होता है, त्रैमात्रिक। तो अब आते हैं, ये हो गए कितने, 11 स्वर। अब कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि 13 स्वर होते हैं, तो हम 13 क्यों नहीं मान रहे और 11 क्यों मान रहे हैं, तो हमारे यहाँ बचते हैं दो और स्वर जिन्हें कहते हैं विसर्ग, मतलब ये वाले दो बिंदु, और दूसरा होता है अनुस्वार, मीन्स किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी। अब इस विसर्ग को और अनुस्वार को स्वतः नहीं बोला जा पाता है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ये स्वतः नहीं बोले जा पा रहे हैं, दूसरा ये जिनके साथ जिनकी सहायता लेके बोले जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये बाद में प्रोनाउंस होते हैं और पहले जो सहायक शब्द है वो पहले प्रोनाउंस होता है, इसलिए इन्हें ना स्वर की स्वर में रखा गया ना व्यंजन में रखा गया, तो इसलिए इन्हें अब ये ना स्वर में आ रहे हैं ना व्यंजन में, तो इन्हें अलग ही रखा गया, उनका नाम दिया गया अयोगवा। क्या नाम दिया गया, अयोगवा। तो इस अयोगवा शब्द का अर्थ हम समझेंगे, अ जो कि एक नकारात्मक शब्द है, फिर आता है योग और देन वाह, तो ऐसे शब्द जिनका कोई योग नहीं है, मतलब वो ना स्वर में बैठ रहे हैं ना व्यंजन में, लेकिन फिर भी इनके बिना हमारा हिंदी भाषा नहीं चल सकता, है ना, लेकिन फिर भी उनके बिना कोई वाह नहीं है, इनका वाह होगा, है ना, इनका यूज़ फिर भी हिंदी भाषा में किया जाएगा, तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया, अयोगवाह कहा गया। सो गाइज,
आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले देखा वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, वर्ण और माला। जहाँ माला होता है किसी भी चीज को एक साथ पिरोया जाए तो उसे माला कहते हैं, और वर्ण का मतलब होता है कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब हम यहाँ पर हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा की वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं, 52। अब इन्हें दो भागों में बांटा गया है, पहला तो है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर वे हैं जिन्हें बिना सहायता से बोले, और व्यंजन वो है जिन्हें सहायता लेकर बोली जाए। अब स्वर जो हैं वो कितने हैं, 11, और व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। फिर हमने देखा कि जो स्वर हैं उनको हमने अलग अलग पार्ट्स की, सबसे पहले होता है ह्रस्व स्वर जो 4 होते हैं, उन्हें एकमात्रिक भी कहा जाता है। फिर आएंगे दीर्घ स्वर जो बड़े होते हैं रूप में, 7 होते हैं, और इन्हें द्विमात्रिक भी कहा जाता है। इन्हीं दीर्घ स्वर से निकल कर आया हमारा अगला संयुक्त स्वर जो नंबर में 4 है। फिर आता है प्लूत स्वर, जब राग में किसी चीज को कहा जाए तो उसे प्लूत स्वर की सहायता से कहा जाता है, और ये त्रैमात्रिक होते हैं। फिर हमने देखा कि स्वर की संख्या 11 ही क्यों है और 13 क्यों नहीं है, और किन दो को हटाया गया है, तो विसर्ग और अनुस्वार को हटाया गया है। इन्हें अलग ही अयोगवाह में डाल दिया गया है, और इन्हें ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो ना स्वर की परिभाषा में बैठते हैं ना व्यंजन के। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई थिंक कि आपको वर्णमाला टॉपिक का इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया होगा, और जो प्रॉब्लम आपको आया आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये भी बताइएगा कि मेरे से क्या गलतियाँ हुई हैं, या मैं अपने आप में क्या बदलाव करूँ कि आपको और अच्छे से समझ में आए। सो थैंक यू फॉर नाउ, और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, इसकी लिंक मैं नीचे आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।